नमस्कार, न्यूज क्लिक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी से अब तक दुनिया पूरी तरह उभर भी नहीं सकी है कि एक नए वायरस ने दस्तक दे दी। दरअसल हम बात कर रहे हैं मंकी पॉक्स के बारे में। ये बीमारी 15 दिनों के भीतर करीब 15 देशों को अपनी चपेट में ले चुकी है। बीती 20 मई को बेल्जियम मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड कंपल्सरी करने वाला पहला देश बन गया। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेतावनी दी है कि किसी भी देश में इस बीमारी का एक भी मामला आउटब्रेक माना जा सकता है। दूसरी ओर भारत भी मंकी पॉक्स को तेजी से फैलता देख अलर्ट हो गया है। बीते 23 मई को बृहन्मुंबई नगर निगम के कस्तूरबा अस्पताल में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीजों के लिए 28 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। हालांकि अभी देश में इस बीमारी का एक भी मामला नहीं मिला है। मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो दशकों से अफ्रीकी लोगों में आम है, लेकिन अब वो दुनिया के अन्य देशों में भी फैल रही है। खासकर अमेरिका, कनाडा और कई यूरोपीय देशों में इसके मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इस बीमारी का प्रकोप अभी बहुत ज़्यादा व्यापक तो नहीं है, लेकिन कुछ देशों में आए नए केस ने लोगों में चिंता ज़रूर पैदा कर दी है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि एक बार फिर वायरस के फैलने का कारण क्या है, इसे लेकर ज़्यादा जानकारी नहीं है। दरअसल मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो पहली बार 1958 में कैद किए गए एक बंदर में पाया गया था। 1970 में पहली बार इंसान में इसके संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसका वायरस चेचक के वायरस के परिवार का ही सदस्य है। मंकी पॉक्स का संक्रमण आँख, नाक और मुंह के जरिए फैल सकता है। ये मरीज के कपड़े, बर्तन और बिस्तर को छूने से भी फैलता है। इसके अलावा बंदर, चूहे, गिलहरी जैसे जानवरों के काटने से या उनके खून और बॉडी फ्लूइड्स को छूने से भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार मंकी पॉक्स के लक्षण संक्रमण के 5वें दिन से 21वें दिन तक आ सकते हैं। शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। इनमें बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमर दर्द, कंपकपी छूटना, थकान और सूजी हुई लिम्फ नोड्स शामिल है। इसके बाद चेहरे पर मवाद से भरे दाने उभरते हैं जो शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाते हैं और कुछ दिन बाद सूख कर गिर जाते हैं। WHO के अनुसार मंकी पॉक्स जैसा दुर्लभ संक्रमण वैसे तो अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन ये कुछ लोगों में गंभीर साबित हो सकता है। ऐसे लोगों में छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बेहद कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग शामिल हैं। 5 साल से छोटे बच्चे इसकी चपेट में जल्दी आते हैं। दशकों से एक समुदाय को प्रभावित करने वाला ये वायरस जाना पहचाना हुआ है, क्योंकि मंकी पॉक्स वायरस चेचक का कारण बनने वाले वायरस से काफ़ी मिलता जुलता है। इसलिए चेचक के टीके को भी दोनों रोगों के लिए प्रभावी माना गया है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि मंकी पॉक्स के संक्रमण के लिए वर्तमान में कोई विशेष उपचार उपलब्ध नहीं है, लेकिन दवा के साथ इसके फैलने को नियंत्रित किया जा सकता है। दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देख केंद्र सरकार ने हाल में अलर्ट जारी किया था। ये अलर्ट नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल यानी NCDC और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR को जारी किया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि मंकी पॉक्स प्रभावित देशों की यात्रा करके लौटे किसी भी बीमार यात्री को तुरंत आइसोलेट किया जाए। साथ ही सैंपल को जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV में भेजा जाए। मंकी पॉक्स को लेकर क्या कहना है हमारे एक्सपर्ट्स का, आइए सुनते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सब लोग कहते हैं कि चेचक के विषाणुओं का जो परिवार है उसी परिवार का एक ये मंकी पॉक्स विषाणु सदस्य है, तो अलबत्ता गंभीर बीमारी होगी। तो पहली बात ये कि ये बिल्कुल गंभीर बीमारी नहीं है। हालांकि चेचक परिवार के विषाणुओं में से मंकी पॉक्स विषाणु एक है, लेकिन बीमारी बहुत सौम्य तरीके की आमतौर से होती है। आगे जाके बात करते हैं उसको लेकर। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, बहुत तेजी से नहीं फैल रहा।
हालांकि अपन पिछले 2-2.5 सालों में से विषाणुओं की महामारियों को लेकर काफी डरे सहमे हैं, तो इस वजह से कहीं भी नया विषाणु का मसला निकला तो अपन डरे सहमे रहते हैं। लेकिन मंकी पॉक्स की आज तक दुनिया में 15-16 देशों में 300-100 बीमारियों के आंकड़े निकले हैं, तो यूं नहीं है कि बहुत तेजी से फैल रहा। इसकी भी वजह, तीसरी बात है क्या बीमारी, तो जाहिर है आप लोगों ने तो सुना नहीं होगा, लेकिन मेरी उम्र के बूढ़ों ने सुना देखा है कि चेचक की बीमारी में बुखार से शुरुआत होती है और फिर चमड़े पे फोड़े निकल आते हैं, या तो छोटे फोड़े होते हैं, बड़े फोड़े होते हैं। और चेचक के साथ साथ अभी भी चलती ऐसी दिखने वाली बीमारियों के ऐसे लक्षण वाली बीमारियों से हम परिचित हैं, जिसे चिकन पॉक्स या छोटी मैंता कहते हैं, वो बच्चों में जो निकलती है, वो और मंकी पॉक्स तकरीबन एक जैसी दिखने वाली बीमारियां हैं। तो बुखार आता है, फोड़े निकलते हैं, फोड़ों में पीप जमती है, पानी जमता है, और वो जो पानी और पीप फोड़ों में जमता है उसके साथ अगर काफी नजदीकी संपर्क आए तो संक्रमण होता है बीमारी का। आखिरकार फोड़े सूख जाते हैं और बीमारी ठीक हो जाती है। आमतौर से ये है, कोविड की बीमारी में अपन ने देखा है कि बूढ़ों में मृतकों की संख्या बहुत ज्यादा है, बूढ़ों में गंभीर बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। मंकी पॉक्स में बच्चों में गंभीर बीमारी होने की संभावना ज्यादा है। हालांकि दोनों बीमारियों में, कोविड में भी और मंकी पॉक्स में भी, जिनमें प्रतिरक्षा प्रणाली में कोई कमजोरी हो, इम्यून कॉम्प्रोमाइजिंग हुआ हो, उनमें तो किसी भी संक्रामक बीमारी से गंभीर लक्षण पैदा हो सकते हैं, इन बीमारियों में भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि फोड़ों में जो पानी और पीप जमता है उसके जरिए संक्रमण होता है, तो जाहिर है कि बहुत करीबी संपर्क ना आए लक्षण युक्त बीमार व्यक्ति के साथ, लक्षण युक्त क्योंकि फोड़े हैं, तो फोड़े हुए बीमार व्यक्ति के साथ नजदीकी संपर्क ना आए तो संक्रमण की संभावना बहुत कम है। और इसलिए बहुत जोर शोर से, जैसे कि कोविड फैला है, आज भी फैल रहा है, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटी सांस से निकलने वाली बूंदों के जरिए कोविड के विषाणु फैलते हैं, वैसी बात मंकी पॉक्स की नहीं है। तो मंकी पॉक्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फैलेगा नहीं, कोई चिंताग्रस्त होने की जरूरत नहीं है, हमने सतर्क रहना चाहिए, हमने सावधान रहना चाहिए, हमने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से ये मांग करनी चाहिए कि वो पूरी सतर्कता और सावधानी बरतें, और उसके लिए जो संसाधन उन्होंने जुटाने चाहिए, उसके लिए जो खर्चा सरकार ने करना चाहिए वो करें। लेकिन मंकी पॉक्स को लेकर हम यूं डरे कि अब और एक आसमानी सुल्तानी संकट आके पहुंचा है, ऐसी ये बीमारी है। मंकी पॉक्स ये भी एक वायरस के द्वारा इंफेक्शन है, जैसे कोविड या एचआईवी या सर्दी खांसी या रेबीज वाली बीमारी, और ये वायरस एक से दूसरे को फैलता है, और इसकी शुरुआत शायद बंदरों में देखने में आई थी, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। और ये अगर वायरस की प्रजाति के रूप से देखा जाए तो ये पूर्व में जो देखा गया और जो अब दुनिया में नहीं है बीमारी स्मॉल पॉक्स की, चेचक जिसको हिंदी में बोलते थे, या कुछ हद तक इसका एक और रिश्तेदार इन्फेक्शन वायरस जैसे चिकन पॉक्स जिससे होती है, जिसे छोटी माता बोलें या चिकन पॉक्स की बीमारी बोलते हैं, वो उससे संबंध रखता है। और लेकिन अब इस बीमारी को देखा जाए तो ये इसमें किसी भी अब तक किसी भी व्यक्ति की हताहत होने की खबर नहीं आई है, और अगर इसकी इसकी सीरत को देखा भी जाए तो ये कोई बहुत सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा। ये इन्फेक्शन तकरीबन 1-2 सप्ताह के लिए कुछ लोगों को बुखार, बदन में दर्द और कुछ गांठों का बन जाना, मतलब गले में या बगल में गांठों का बन जाना, और चमड़ी पर ये पहले तो थोड़े से गांठें और फिर थोड़ा फफोले बन के उससे फिर ये ठीक हो जाने की संभावना है, कुछ हद तक जैसे चिकन पॉक्स में हम देखते हैं। हाँ, शायद चिकन पॉक्स से ज़्यादा इसमें बुखार
बदन में दर्द और शायद गांठों का बनना गले में, ये हो सकता है। लेकिन ये किसी भी रूप से चिकन स्मॉल पॉक्स जो चेचक की बीमारी थी जिसमें बहुत सारे लोगों को नुकसान होता था, अंधत्व हो जाता था या जान चली जाती थी या निमोनिया हो जाता था, ऐसी संभावना इस वाले बीमारी में शायद नहीं होती, नहीं लग रही। और शायद ऐसा जो अभी तक अफ्रीका के देशों से स्मॉल मंकी पॉक्स में जो अनुभव है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमको कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर ये बीमारी आएगी भी तो इस दृष्टि से ये अच्छा रहेगा कि हम इसके प्रति थोड़ी सतर्कता रखें ताकि अगर किसी को भी ये बीमारी होती है तो उसको उसको आइसोलेट किया जाए, उसको अलग रखा जाए ताकि दूसरों को ना फैले। और इस बीमारी में कोविड के मुकाबले में आसान होगा पहचानना किसी को कि इस बीमारी को है। आप जैसे जानते थे कि कोविड की बीमारी में आधे लोगों को लक्षण के बिना भी वो एक दूसरे को संक्रमण दे सकते थे, इस बीमारी में शायद संभव नहीं है कि अगर किसी को बीमारी होगी तो उसके चमड़ी पर दिखेंगे लक्षण और उसके चिन्ह, और तो उससे हमको उस व्यक्ति को से दूसरों से अलग रखकर हम इस इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकेंगे। भारत में अभी तक मंकी पॉक्स के एक भी मरीज नहीं पाए गए हों, लेकिन हमें हमारे एक्सपर्ट्स की बताई गई बातों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम खुद को और आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने में मदद कर सकें।